हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम सीखने वाले हैं, दोस्तों आप इंस्टाग्राम पे कोलैबोरेशन करना चाहते हो अपनी पोस्ट, या फिर अपनी पोस्ट को एक से ज़्यादा अकाउंट में भेजना चाहते हो तो किस तरीके से आप भेज सकते हो, वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। दोस्तों वीडियो काफ़ी सुनने वाली है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। दोस्तों वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से आप इंस्टाग्राम में अपनी फोटो कोलैबोरेशन कर सकते हो वो हमें सीख लेते हैं। दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम को अपग्रेड कर लेना है, जो अपग्रेड हो उसके बाद ही यहाँ प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, तो यहाँ से आपको जो भी पोस्ट लगानी है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों यहाँ हम पोस्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, दोस्तों ये आपको ये वाली पोस्ट हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ आपका अपनी पोस्ट पर फिल्टर लगाना चाहते हो तो यहाँ से फिल्टर लगा सकते हो, यहाँ देख सकते हो। इस तरीके से अपनी फ़ोटो को एडिट भी करना चाहते हो तो दोस्तों यहाँ एडिट का ऑप्शन है। फ़ोटो को यहाँ आप दूसरा फ़ोटो ऐड करना चाहते हो यहाँ देख सकते हो, यहाँ इस तरह से फ़ोटो ऐड करना चाहते हो तो यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर यहाँ से हटा भी सकते हो। उसके बाद नाम चेंज करना चाहते हो, यहाँ नाम लिखना चाहते हो, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ आप इस तरह से अपना नाम भी लिख सकते हो जिस वजह से फ़ोटो अच्छा लगे। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ आपको सॉन्ग ऐड करना चाहते हो तो सॉन्ग का ऐड करने का ऑप्शन है, तो दोस्तों यहाँ से सॉन्ग भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस ओपन हो चुका है। तो दोस्तों अभी क्या करना है, टैग एंड पेपल का ऑप्शन है तो उस पर क्लिक करना है। दोस्तों उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ इनवाइट कोलैबोरेशन का ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों अभी जिसको भी आपको अपनी पोस्ट कोलैबोरेशन करनी है या फिर जिसके भी अकाउंट में आपकी पोस्ट भेजनी हो जिस वजह से आपके उसके फॉलोवर से भी आपको लाइक मिले, तो क्या करना है, उसकी आईडी यहाँ सर्च करनी है। तो दोस्तों यहाँ मैं आईडी यहाँ सर्च कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ हमने आईडी सर्च कर ली, उसके बाद यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके उसी तरह से आप यहाँ फाइव बंदों को कोलैबोरेशन कर सकते हो, अपनी पोस्ट फाइव बंदों को कोलैबोरेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ राइट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो राइट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ शेयर पर क्लिक करना है। दोस्तों अभी काफ़ी सारा प्रोसेस अभी बाकी है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो दोस्तों यहाँ शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, जो यहाँ से आगे का प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये हमारे फ़ोन में नहीं, हमारे जो दोस्त के फ्रेंड में जिसको भी आपने कोलैबोरेशन किया है उसके फ़ोन में आपको करनी है। तो मैं यहाँ उसके आईडी उसका मोबाइल यहाँ ले लेता हूँ। दोस्तों यहाँ हमने उसका मोबाइल ले लिया है, अभी क्या करना है दोस्तों, उसके लिए क्या करना है, अपनी आईडी यहाँ सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करके सर्च करनी है, फिर या फिर यहाँ लाइक के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ भी अपनी पोस्ट यहाँ देखने को मिल जाएगी, जिस वजह से यहाँ कोलैबोरेशन कर सकते हो। यहाँ दोस्तों देख सकते हो इनवाइट टू कोलैबोरेशन, तो यहाँ आपको इस तरह से ऑप्शन है, तो यहाँ क्लिक कर लेना है और यहाँ रिव्यू के ऑप्शन पर देख सकते हो। उसके बाद यहाँ दूसरा तरीका जान लेते हैं, तो यहाँ सर्च के अपनी प्रोफाइल पर आ जाएगा, तो यहाँ दोस्तों देख सकते हो व्यू रिक्वेस्ट का ऑप्शन है, तो दोस्तों यहाँ क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ दोस्तों रिव्यू का ऑप्शन यहाँ भी आ चुका है, अभी क्या करना है, यहाँ से बैक लेना है और दूसरा तरीका जान लेते हो, अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करके यहाँ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ये वाला कोलैबोरेशन का, यहाँ दोस्तों देख सकते हो यहाँ इस तरह से ऑप्शन होगा, तो यहाँ आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ क्या करना है, अपनी पोस्ट पर सिलेक्ट करना है। पोस्ट पर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ भी आप देख सकते हो रिव्यू का ऑप्शन आ चुका है। दोस्तों अभी हम जाते हैं दूसरा, उससे भी ना हो तो क्या करना है, अपनी आईडी यहाँ सर्च करनी है। तो दोस्तों यहाँ हम अपनी आईडी सर्च कर लेते हैं, सर्च करने के बाद यहाँ ओपन कर लेते हैं और जो भी पोस्ट आपने कोलैबोरेशन की है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेने। तो दोस्तों मैंने ये वाली पोस्ट सिलेक्ट की थी, कोलैबोरेशन की थी, यहाँ हम सिलेक्ट कर लेते। दोस्तों अभी सभी जगह पर रिव्यू का ऑप्शन आ चुका होगा, तो अभी क्या करना है, यहाँ रिव्यू का ऑप्शन पर क्लिक करना है। रिव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने बाद दोस्तों यहाँ आपको एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो एक्सेप्ट इनविटेशन, तो यहाँ आपको एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा, तो यहाँ लोडिंग लेगा, उसके बाद इस तरह से कोलैबोरेशन हो चुका है। दोस्तों यहाँ देख सकते हो कोलैबोरेशन हमारी पोस्ट हो चुकी है। अभी दोस्तों उसकी प्रोफाइल पर क्लिक करके यहाँ दोस्तों देख सकते हो हमारी पोस्ट यहाँ भी आ चुकी है। इसी तरीके से आप भी अपनी पोस्ट कोलैबोरेशन करना चाहते हो तो इसी तरीके से कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो से आपको अपनी इंस्टाग्राम की पोस्ट कोलैबोरेशन किस तरीके से करनी है वो यहाँ से आ चुका है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। और बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।